ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग तो hmm. so, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन uh, फोर्स के बारे में ठीक है हम लोग ने स्टार्ट किया था हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बेसिक चीजें देखी कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कुछ एग्जांपल्स हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए और कुछ फोर्सेस लाइक नॉर्मल रिएक्शन वेट टेंशन ये सब कैसे अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ में साइन कन्वेंशन कैसे होगा हम प्लस माइनस कैसे लेंगे तो ये सारी बातें हमने करी अभी तक हम इसी में आगे बढ़ के हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में ठीक है सो so, आपका एक अनदर दूसरा पैक फोर्स हो गया uh, फ्रिक्शन फोर्स तो चेंजेस कुछ भी नहीं होगा जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी अब उसमें एक एक्स्ट्रा एक एक आपका फोर्स ऐड हो जाएगा फिक्सन फोर्स ठीक है तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्सन फोर्स कैसे लेते हैं डायरेक्शन किधर होगा कितना अमाउंट होगा हम ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग प्रॉब्लम्स आएंगे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर मिला करके जो है हम लोग आ, बात करेंगे आ, कुछ लेवल सेकेंड लेवल के जो क्वेश्चन हम उसकी बात करेंगे है ना अभी तक तो हम लोग सिर्फ लेवल वन पे थे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर रहे थे जैसे मैं बाबा बोलता आ रहा हूँ कि हम बहुत बेसिक्स चीजें कर रहे हैं एक बार हम हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है आ, वो डेवलप हो जाए तो हम उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे हम लोग फिक्सन का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रॉब्लम करने के बाद में हम लोग मिक्स एक हम शुरू से एक दूसरे लेवल की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और उसके बाद अगला अच्छा आप रेस्पॉन्स करते हैं आप अच्छा समझ पाते हैं कर पा रहे हैं तो मैं उसका अगला थर्ड लेवल भी आपको कराऊंगा कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग ठीक ना तो ये सब सारी चीजें हैं जरूरत बस ये है कि आप अटेंटिव रहें हमेशा जो भी क्लास अटेंड होता जो भी क्लास में ले रहा हूँ तो आप अटेंड करें बीच में कभी मैं नहीं ले पाता हूँ थोड़ा सा इधर उधर बिजी हो जाता हूँ तो बट Uh, मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि आप, आपका क्लास जो है रेगुलर चलता रहे और मैं चीजों को धीरे धीरे करके ही सही बट uh, कंप्लीट करूं आप काम ठीक ना तो हम लोग आज बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन फोर्स ठीक है तो देखो ये जो फ्रिक्शन हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको घर्षण घर्षण बल बोलते हो घर्षण फोर्स बोलते हैं स्कूल है ना तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है पहली बात तो मैं ये बता दूं कि फ्रिक्शन फोर्स आपके लिए यूजफुल भी है और आपके लिए आ, जो है आपका हार्मफुल भी है दोनों है आपका यूजफुल भी बहुत सारी चीजों में आपका यूजफुल है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ये काम ही नहीं कर पाते बहुत सारा ठीक है और दूसरा ये बहुत सारा आपका क्या है अह जो है डिमेरिट भी, भी आपका है ना तो ये दोनों हम लोग डिस्कशन करेंगे तो पहली बात की फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ पे है तो फ्रिक्शन फोर्स जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं मान लो कि आपका एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है ठीक है दोनों बॉडी जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो से और उनके बीच में क्या हो रहा हो रिलेटिव मोशन हो रहा हो दोनों बातें याद रखना है कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है आपका तो उस जगह आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है क्यों होता है बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ दर्फेस रफ रफनेस हम ये जो हम सरफेस देखते हैं अपने नेकेड आई से ये बोर्ड मुझे लग रहा है कि बहुत एकदम स्मूथ है ठीक है चाहे तो आप घर में टाइल्स फाइल्स लगा देते हो तो बहुत लगता है एकदम चिकना है एक्चुअली कोई भी सरफेस हंड्रेड परसेंट सीखना नहीं होता है उसका आउटर लेयर आप जब देखोगे आ, हाई और से जब देखोगे उसमें बहुत सारे गड्ढे बने होते हैं आपको ठीक है और उन्ही गड्ढों में जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से ऊपर मूव कर रहा होता है तो दोनों गड्ढे होते हैं उसमें फंसते हैं और फंस रहे हैं मतलब क्या आपका वहां पे एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो रहा है and that opposing force is your friction force ठीक है तो मैं लिखूं कि मैं छोटा सा हमने यहां पे इट एक्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट वेन देर इज रिलेटिव मोशन बिट्वीन द टू ठीक है तो मैंने सीधे शब्दों में लिखा आपको कि ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है हा यह आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको दो सरफेस को के बीच में लगता है और कब जब उनके बीच में क्या आपका है रिलेटिव मोशन हो रहा है आगे मैं एक और वर्ड ऐड कर दू तो बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट ये जब आपका है बिकॉज ऑफ दिस रफनेस रहा है ये क्यों आ रहा है देखो समझते हैं हम, हाँ तो हम लोग जानते हैं कि जो भी मैटर है ठीक है uh, आइटम हम लोग मांग के चलते इट इज लाइक स्पेरिकल से आपका एक स्पेरिकल शेप का आपका होता है हम लोग ये मान लेते हैं आप प्राइस तो अगर हम लोग देखें माल आपका ये सरफेस जो मुझे एक को एक एक बॉडी हो गया आपका ठीक ना इसका आउटर सरफेस अगर मैं बनाऊ यहाँ पे तो जो एटम्स आपको यहां पे हैं, गोल गोल इस तरीके से मैं बनाता हूँ तो ऐसे आपका ये एटम हो गया ऐसे, ठीक है इस तरह हो गया ऐसा तो देखो जो नेकेट आई से मुझे सरफेस क्या दिखाई दिखा दे रहा है एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये वो स्मूथ नहीं है आपका एटम्स जो आपका है देखो इस तरीके से आपका हो गया फिर थोड़ा सा बड़ा बना रहा है देखो ऐसे समझने के लिए ऐसे आपका हो गया ठीक है तो ये दो एटम्स के बीच जो आपका गैप है ना दैट गैप इज नॉट वॉइड वी ओ आई डी वॉइड और उसी गैप को हम क्या बोल हैं रफ बोल रहे हैं ठीक है वही मेरा क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वही आपका क्या है रफनेस है आपका और बाकी टूट फट गया ये सब कुछ और हो गया तो रफरेंस अलग बात हो गया हाँ पे जो हमको खुद न खुश दिखाई दे रहा है हम लोग रफरेंस बोल रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं बात कर रहे हैं हैं ये जो एटम्स उनके बीच जो गैप बन रहा है दैट दैट इज इज एंड माइक्रोस्कोपिक रफनेस ठीक है तो जो भी सफेद मुझे एकदम स्मूथ दिखाया जाता है मतलब उसमें जो क्लासिकल क्लासिकल रफनेस नहीं है बट उसमें फिर भी क्या आपका है एक माइक्रोस्कोपिक रफनेस है आपका ठीक ना ये तो एक और अब मैं आप यहां से ऊपर ले लो इस तरीके से मान लो ऐसे है ना इसका भी ऐसा होगा इस तरह से क्या होगा से आउटर लेयर का होगा तो इसका भी देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूं इस तरह से ठीक ये दो बॉडी आपको हो गए दोनों बॉडी का मैंने मानी फिगर बना दिया है। अब सकते हैं कि जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे मूव करेंगे जो गड्ढा है ये उसमें क्या होगा फंसते फंसते हुए आगे बढ़ेगा ये जो, जो फंस रहा है बोल रहे हैं हिंदी में वर्ड इज क्या हुआ इसका कि हमारे मोशन पे अपोजिंग फोर्स लग रहा है एंड अपोजिंग इज माई फ्रिक्शन फोर्स सो दिस इज माई फ्रिक्शन फोर्स जो आपका माइक्रोस्कोपिक रफनेस की वजह से आपका आता है ठीक है ये चलो तो ये हम लोग समझ गए कि फ्रिक्शन फोर्स आ कहां से रहा है ठीक ना अब हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ बात कर लें आप यहाँ पे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स जैसे मैंने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स आपका हार्मफुल भी है बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे केसेस में आपका फ्रिक्शन फोर्स यूजफुल है इनफैक्ट फ्रिक्शन ना हो तो हम वो काम ही ना कर पाए ठीक ना तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आ, मैं देख रहा हूं कमेंट आपका जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस किस सिचुएशन में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यूजफुल है यूजफुल ठीक है चलो जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं कमेंट करो फटाफट यूजफुल बताना है कि क्या कैसा काम है या कुछ ऐसा सिस्टम जहां पर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम काम ही ना कर पाए फटाफट क्विक बताइए यूजफुल जहां पे हो हम लोग वो बात कर रहे हैं अभी रिप्लाई करो फटाफट प्रकाश सोरेन बात बोल रहे हैं वॉकिंग हाँ वेरी गुड कि हम लोग जब चलते हैं चल रहे होते हैं सड़क पे हम चल रहे हैं पैदल चल रहे हैं फिर गाड़ी में चल रहे हैं बाइक में कार में चल रहे हैं तो ये सारे जो मोशन है ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली ठीक ना फ्रिक्शन मेरे पैर और सरफेस के बीच में लगता है टायर और रोड के बीच में लगता है और यही फ्रिक्शन फोर्स मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करता है जो तो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो मुझे प्रोवाइड करता है ठीक है इसीलिए जहाँ पे एकदम चिकना सरफेस होता है जैसे जहाँ पानी होता है वहां पे काई जम जाता है है ना तो आप वहां पे जब चलते हो तो फिसल जाते हो तो क्यों क्योंकि तो काई जमने से वहां पे क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो आपको आगे मूव करना जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो आपको मिल नहीं पाता है और आप फिर गिर जाते हैं चल नहीं पाते आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर आप जब गाड़ी चला रहे हो मान लो और किसी ऐसे चिकने वाले सरफेस पर आप आ गए तो आप एक्सीडेंट लेते रहोगे बाइक चला रहे हो तो एक्सीडेंट लेते रहोगे आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा आपका चक्का क्या होगा उसी जगह पे गोल 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 घूमता रहेगा है ना होए 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 करके आपको उसी जगह पे क्या होता है घूमता रहता है आपका ये आपने चलाया है गाड़ी तो आपको या पता होगा आपको ये बात तो क्यों तो गाड़ी बढ़ने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होता है और वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है तो मेरा गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा ठीक है चलो एक तक हो गया वॉकिंग हो गया ये हो गया आपका यूजफुलनेस आपका हो गया ठीक ना और कोई किसी को याद आ रहा है तो बताइए जल्दी से एनी कुछ और एग्जांपल बताइए जिसे फ्रिक्शन क्या आपका हो यूजफुल हो रहा हो फटाफट फटाफट नहीं याद आ रहा नहीं याद आ रहा मुझे लगता है चलो तो देखो और कहां पर यूज आपका तो जैसे मैं ये लिख रहा हूं बोर्ड पे सिंपल सामने से एग्जांपल आप कहां पे है ठीक है फ्लाइंग बर्ड फ्लाइंग बर्ड में फ्रिक्शन फोर्स यूजफुल होता है नहीं फ्लाइंग बर्ड में ऐसा नहीं है फ्लाइंग बर्ड में तो आपका वो हवा को ऐसे धकेल के आगे पीछे बढ़ता है आपका बर्ड है ना फ्रिक्शन का उसमें रोल नहीं है ये आपका सामने का एग्जाम्पल आपका हो गया मैं जैसे ये लिख रहा हूं हाँ सर्फेस ठीक है देखो गुड है ना मैं जैसे ये बोर्ड पे लिख पा रहा हूं है ना तो ये जो इंक के जो मॉलिक्यूल्स है ना इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इसी में क्या है फंस जा रहे हैं जो मैं यहाँ पे बनाया है हमने यहाँ पे ठीक है ये गड्ढा गड्ढा बनाया है तो उसी गड्ढे में इस इंक के मॉलिक्यूल्स फंस रहे हैं ठीक है ट्रैप होकर के रह रहे हैं और तो मुझे लगा कि ये हमारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है अगर जो मैं इसको पूरी तरह से एकदम फिक्शन फ्री कर देता फ्रिक्शन कर देता तो हम लोग कभी भी इस बोर्ड पे नहीं लिख पाते क्या होता कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता वो इंक सीधे टपक के नीचे चल, के नीचे चला जाता आपका नीचे चला जा जाता वो यहाँ पे टिकता ही नहीं है आपका ठीक है तो ये लिखा हुआ आपको दिख पा रहा है क्यों क्योंकि इंक के मॉलिकोल उस फ्रिक्शन की वजह से उस गड्ढे में क्या है फंसे हुए रफनेस की वजह से उस गड्ढे में क्या फंसे हुए हैं ठीक ना तो ये सब तो आपके ये पेन में पकड़ पा रहा हूँ क्यों क्योंकि आपका पेन और मेरे बीच में क्या है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मैं इसको इजीली क्या कर, कर पा रहा हूँ हैंडल उसको पकड़ पा रहा हूं अगर जो फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं कितना ही फोर्स लगा लेता ये मेरा क्या होता नीचे नीचे गिर जाता नीचे गिर जाता मेरा ठीक ना तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां कि फ्रिक्शन के बिना काम ही ना हो है ना यूजफुल एग्जाम्पल्स फ्रिक्शन है तो ये सब चीजें होती हैं नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता ठीक है ना तो चलो ये आप समझ गए गुड वेरी गुड उसके बाद देखो हार्मफुल तो हार्मफुल तो आप जानते हैं जैसे मशीन हो गया चल रहा है चल रहा है जो तो तो पार्ट होते हैं वो रगड़ रगड़ के घिस जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ठीक है तो वो मशीन आपका खराब हो गया बहुत सालों बाद होता है क्या हो कि घिस खराब हो गया तो आपको चेंज करना पड़ता है जो भी रिपेयरिंग कराना पड़ता है आपको ठीक है ना आवाज आता है गाड़ी चल रहा है आप कहाँ पे चाहे कुछ भी आप मशीन चल रहा है आप कहाँ पे गाड़ी नहीं मशीन अगर कोई रन हो रहा है तो उसमें आवाज आता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन और फ्रिक्शन जब होता है तो वहां से क्या एनर्जी लॉस होता है ठीक है फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से एनर्जी क्या होता है हमेशा लॉस होता है क्लियर और लॉस मतलब क्या कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होता है तो लॉस मतलब ये एक दूसरे फॉर्म में क्या है कन्वर्ट हो जाता है जैसे मेरी जो एनर्जी है वो साउंड में बदल गई हीट में बदल गया किसी दूसरे में चला गया बिकॉज ऑफ आप गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाते 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 हैं 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 कुछ भी आप चलाते कार चलाते तो आपका इंजन गर्म हो जाता है इंजन से आवाज आता है वो सब क्या है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन और उन सब में क्या होता है आपका एनर्जी जो है लॉस होता है और आपका जो फ्यूल कंजम्पशन वो भी क्या होता है ज्यादा हो जाता है ठीक है और इसीलिए फ्रिक्शन कम करने करते हैं पे हम लोग वो जो है ऑयल यूज करते हैं हम लोग ऑयल का यूज करते हैं हम लोग मोबिल का यूज करते हैं हम लोग ठीक ना तो ये सब सारी चीजें हैं जहाँ पे कि फ्रिक्शन मेरा क्या है हार्मफुल है आपका और बाकी जो एग्जाम्पल हमने समझा वो क्या है आपका यूजफुल आपका हो गया ठीक ना ये चलो तो यहां तक हम लोग समझ लिए फ्रिक्शन के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं कुछ दो चार पॉइंट्स लिखते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट में काम आएंगे हमारे में. ठीक ना देखो पहला आपका हो गया क्या कि इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका जो फ्रिक्शन है वो कैसा फोर्स आप कहाँ पे है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो आगे हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में एक लेक्चर में आगे जाकर के वहां पे हम लोग फिर से पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं हम उसको कैसे देखते हैं ठीक है ठीके? हम ये सब सारी बातें करेंगे कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉज जब करेंगे उसमें हम करेंगे इसके बारे में ठीक है तो कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो अभी सिर्फ एक शब्दों में अगर मुझे बोलना रहे है, तो मैं क्या बोलूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स हैं जिनके एक्ट करने से सिस्टम की एनर्जी लॉस नहीं होती है यानी सिस्टम की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है सिस्टम की एनर्जी उस सिस्टम के अंदर के जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉडीज होंगे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे उसकी एनर्जी घट सकती है बढ़ सकती है बट ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी हमेशा कंजर्व रहेगी ठीक है वैसा फोर्स जिसके लगने से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है लॉस होते हैं कंजर्व नहीं रह पाता है ठीक ना इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव तो फ्रिक्शन और सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं वैसे सारे जो तो रेसिस्टिंग फोर्सेस हैं वो सब के सब क्या हैं? होते हैं नॉन कंजर्वेटिव होते हैं कोई भी रेसिस्टिंग फोर्स आपका हो गया वो सब क्या हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया आपका ठीक ना ये आपका हो गया चलो आगे बढ़े उससे पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो ये वीडियो आपका क्लियर आ रहा है ना सब दिखाई दे रहा है आपको सही हिसाब साफ कल आप लोग कंप्लेन कंप्लेन कर रहे थे कि सर ब्लर दिखाई दे रहा है जल्दी से कम, आ, कमेंट करो कि वीडियो साफ साफ सही सिखाया जा रहा आज तो मैं आगे बढ़ू चलो ठीक है ओके गुड हाँ नेटवर्क इश्यू होता रहता है फ्लक्चुएट करता रहता है तो ठीक तो यह कहोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका हो गया ठीक ना दूसरा पॉइंट आपका हो गया क्या कि it acts only when there is some relative motion between the surfaces in contact ठीक है ये आपका एक्ट करता है जहां पे कि बॉडी के क्या है रिलेटिव मोशन आपका हो रहा है जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है आपका ठीक है अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं और आप मुझे बतलाएंगे कि किस केस में फ्रिक्शन होगा किस केस में नहीं होगा ये पहला आपका हो गया एग्जाम्पल जहां पे कि ये जो आपका ब्लॉक है वो इसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है पहला आपका एग्जाम्पल जहां ब्लॉक जो ज़ि� आपका है वो इसके ऊपर सरफेस पे जस्ट रखा हुआ है ये रफ सरफेस है दूसरा एग्जांपल हो गया आपका कि ये मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं ये ब्लॉक ए हो गया ये ब्लॉक बी हो गया एंड बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स जो आपको हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ये मेरा दूसरा एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन आपको बतलाना है तीसरा एग्जांपल आपका हो गया कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं ए और बी जो ब्लॉक्स हैं, ये मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से आपको मूव कर रहे हैं भी वन और भी टू ऐसे आपको ये मूव कर रहे हैं बाद आपको ऐसे स्पीड से मूव कर रहे हैं ये थर्ड एग्जाम्पल आपका हो गया और और मैं इसमें बोल सकता हूं तो न, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लू चौथा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं कि आपका एक सरफेस है उस पे एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है ऐसा और ये आपका रफ हो गया आपका सरफेस और इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हो एफ फोर्स लगा रहे हो बट नोट मूविंग आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन यहाँ ये मूव नहीं कर रहा है फोर्स लगा रहे हो बट यहाँ ये मूव नहीं कर रहा है ठीक ना तो ये चार मैंने एग्जाम्पल बतलाए हैं फटाफट बतलाओ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है इन चारों केसेस में किसमें किस में होगा फ्रिक्शन फोर्स सब में होगा या वन नंबर में होगा टू में होगा थ्री में होगा किस में होगा आपका फटाफट कमेंट करो तो चारों एग्जांपल्स में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे यहाँ पे ये यह आपका दोनों सरफेस एक सरफेस हो गया ब्लॉक हो गया तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ दोनों ब्लॉक्स जो कॉन्टैक्ट हम वहाँ पे बात कर रहे हैं इस जगह पे बात कर रहे हैं यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स जो कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ आपका इस जगह पे आपका हो गया ठीक है तो किस से वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स होगा ये आपको बतलाना है फटाफट फट देखो तो बताओ जल्दी से मैंने भी कौन से, कौन से किया है। और आपने सही से ध्यान से सुना बतला पाएंगे प्रकाश स्वर्ण बतला रहे हैं थ्री और फोर नंबर में क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा यानी वन और टू में नहीं होगा बोल रहे हैं अच्छा और कोई बताइए जल्दी से प्रकाश ने आंसर दिया है और कोई बताइए फ्रिक्शन फोर्स किस में होगा रोहित बतला रहे टू और थ्री में होगा फ्रिक्शन फोर्स टू और थ्री में मतलब वन और फोर में नहीं होगा बता रहे हैं ये ठीक है और किन्हीं का आंसर बताए जल्दी से फटाफट और कोई समझ पा रहा है तो बताओ माही सिंह बता रहे हैं थ्री नंबर में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होगा यानी माही के अनुसार वन टू और फोर में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा ठीक है अलग अलग आंसर आ रहा है और कोई बताना चाहेगा फ्रिक्शन फोर्स किस में होगा चलो ठीक है कॉन्सेप्ट क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स किस में होगा जब मैं पूछ रहा हूं तो आप क्या सोचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स वहां राइज होता है पहला केस जहां पे कि सरफेस क्या है कांटेक्ट में है ये पहला आपका कंडीशन हो गया एंड द सेकंड कंडीशन इज देर इज सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ ठीक है कि सर्फेस मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट एंड देर इज समिव मोशन रिलेटिव मोशन मतलब क्या हो गया कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देना चाहिए जैसे ए और बी को मैं बोल रहा हूं तो ए पे आप जब बैठे तो बी आपको लगे कि आगे या पीछे हो रहा है उसी तरह से बी पे जब बैठे तो आपको लगे कि ए आगे पीछे हो रहा है तो आपका ठीक है तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए आपको वहां पे यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर ने ठीक है इसमें क्या है जस्ट केप्ट मतलब आपने जैसे आपका ये पेन हो गया हमने जैसे रख दिया आपका कुछ नहीं कर रहा हूं मैं पे ठीक ना जस्ट रखा हुआ आपका तो उस केस में क्या होगा कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है कॉन्टेक्ट में तो है बट इज नो रिलेटिव मोशन इसीलिए नो फ्रिक्शन फोर्स पहला में आपका हो गया नो रिलेटिव मोशन नो रिलेटिव मोशन ठीक so, no है तो पहले में फ्रिक्शन फोर्स नहीं क्योंकि उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ठीक है दूसरा में देखो दूसरा जो एग्जाम्पल था दोनों ब्लॉक्स जो है ऐसे ए और बी दोनों ब्लॉक्स जो है दे आर मूविंग बट दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स दे आर मूविंग ओवर इच अदर लेकिन मूव तो कर रहा है मोशन तो है बट हम बात कर रहे हैं किसकी रिलेटिव मोशन की बात करें तो मोशन और रिलेटिव मोशन होना दोनों अलग अलग चीजें हैं मोशन मतलब आप बैठ के देख रहे हैं आपका बॉडी मूव कर रहा है ठीक है रिलेटिव मतलब क्या कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको मोशन दिखाई देना चाहिए मतलब कि अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए पे जब मैं बैठूं तो बी मुझे मूव करता हुआ दिखाई दे या मैं बी पे जब बैठूं तो ए मुझे मूव करता हुआ दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन ठीक है तो ए और बी दोनों मूव तो कर रहे हैं बट दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं दोनों की स्पीड वेलोसिटी क्या है सेम है और जब सेम है तो आप देखेंगे ए पर जब के देखेंगे तो आपको लगेगा बी तो मूव ही नहीं मूव कर ही नहीं रहा है बी खड़ा है ऐसा लगेगा आपको या बी पे बैठ के जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ए बैठ क्या है खड़ा है मूव नहीं कर रहा है देर इज नो रिलेटिव मोशन ठीक है तो देर इज मोशन देर इज मोशन में यहां पे लिख दू बट नो रिलेटिव मोशन मोशन तो है बट नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी है ना रिलेटिव मोशन नहीं है एंड देर फॉर नो फ्रिक्शन ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है यहां पे कोई फ्रिक्शन यहां पे नहीं लगेगा क्लियर चलो थर्ड पॉइंट हो गया थर्ड में आप देख पा रहे हैं कि B1, B2, दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं और दोनों ब्लॉक्स का जो स्पीड वेलोसिटी है वो अलग अलग है डिफरेंट है तो जब डिफरेंट है तो दोनों के बीच में क्या होगा रिलेटिव मोशन हो रहा है ठीक ना जस्ट ए मिनट हाँ, थर्ड में तो साफ साफ दिखाई दे रहा आप यहां पे देर इज रिलेटिव मोशन अलग अलग स्पीड से जब मूव कर रहा है तो मान लो कि ये सपोज एग्जाम्पल मैं ले यहाँ पे तो ये आपका ये फाइव मीटर पर सेकेंड हो गया और ये मान लो दस मीटर पर सेकेंड हो गया नीचे वाला दस हो गया ऊपर क्या हो गया फाइव हो गया ठीक ना तो आप जब ए में बैठोगे और बी को जब देखोगे तो क्या लगेगा बी आपको आगे बढ़ता हुआ लगेगा इस वाले एग्जाम्पल में आप जब ए पे बैठोगे और बी को ऑब्जर्व करोगे तो बी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ठीक है और आप जब बी पे बैठ के को पे देखोगे तो आपको एक आपको पीछे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको ठीक है तो इज रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन ठीक है सो इज फ्रिक्शन यानी थर्ड नंबर में क्या आपका है फ्रिक्शन फोर्स है आपका यहां पे अब कितना है तो हम लोग आगे देखेंगे लेकिन अभी फ्रिक्शन फोर्स आपका है ठीक है ना अब जो मैंने डिस्कशन किया इसके हिसाब से आप फोर्थ नंबर जो एग्जांपल है उसमें बॉडी ब्लॉक ए मूव नहीं कर रहा है बट हम क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं यहां पे, हम फोर्स लगा रहे हैं बट वो मोशन नहीं हो रहा है ठीक है तो चलो मैं ही बताता हूँ आपसे पूछने वाला था, बट छोटी मैं बता देता हूं क्या हो रहा है सपोज लाइक इन एग्जाम्पल वन ये फोर्स नहीं होता तो आपका कितना होता जीरो होता लेकिन अब यहां पे फोर्स लगा रहे हो तो जब फोर्स लगा रहे हो तो इस बॉडी को मूव करना चाहिए जब फोर्स लगेगा तो देर मस्ट बी वी मोशन ठीक ना लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है मतलब अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आपका है जीरो है क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी में हर हाल में क्या होगा होगा इफ देर इज एफ देर इज ए एस ना इस बात को ठीक है तो यहाँ पे फोर्स है बट मोशन नहीं है इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर नेट फोर्स अभी भी कितना आपका है जीरो है तो एक फोर्स आप लगा रहे हो तो दूसरा जो काउंटर फोर्स आ रहा है जो इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है जिसको अपोज कर रहा हो, वो होगा, होगा वो कौन सा फोर्स होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा आपका होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा आपका ठीक है तो फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे मोशन तो नहीं हो रहा है बट देर इज टेंडेंसी टू हैव मोशन है ना यहाँ मोशन होने की टेंडेंसी है आपका यहाँ पे एंड देर फोर यहाँ भी क्या होगा फ्रिक्शन होगा आपका यहां पे नो no मोशन मैं यहाँ पे लिख दू नो मोशन बट हैव टेंडेंसी टू मूव बट है मूव करने की ठीक है ना और इसीलिए यहां पर क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा आपका ठीक है चलो तो ये मैंने आपको चार एग्जाम्पल्स बतलाये जहां पर आप समझ गए एकदम एकदम सिंपल बेसिक एग्जाम्पल जहां पे आप समझ गए कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे और किसी में अराइज हो रहा है ठीक है चलो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इट सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स ये हम लोग बोलते हैं इसको फ्रिक्शन फोर्स आपका है ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है आपका ठीक है नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है कितना होता है म्यू एन होता है ठीक ना फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका यहां पे किसी भी दो साधन के बीच में ये कितना होता है म्यू एन होता है और म्यू को हम क्या बोलते हैं म्यू मेरा हो गया कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया और एन मेरा क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन और एन जो आपका हो गया इट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट The in है? चलो तो ये. क्या लिखा हमने देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका वैल्यू ड्राइव नहीं कर रहे हैं लो में आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन में तो आप जब क्लास में पढ़ते होंगे इस वक्त पढ़ते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है इसको है ना आता है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी दो सरफेस के बीच में वो कितना आपका म्यू एन होता है आपका इतना मैक्सिमम वैल्यू याद रखना और यहां हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको मतलब अच्छे से समझना और ये बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रॉब्लम में काम आएगा न्यूमेरिकल में ठीक है हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है जब देर इज सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन अब अगर मालूम रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ऐसा जरूरी रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर टेंडेंसी हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि थ्री में देर वॉज रिलेटिव मोशन बट फोर नंबर में रिलेटिव मोशन नहीं था बट देर वॉज टेंडेंसी टू हैव हाँ रिलेटिव मोशन ठीक ना ये इन दोनों केस में आपका फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो हम हमेशा म्यू लिखते हैं इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू यानी फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो अपना वैल्यू को फ्रिक्शन जो है अपने वैल्यू को जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट करता है किसके अनुसार एडजस्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वो अपना वैल्यू को जीरो से लेकर मैक्सिमम तक एडजस्ट करता है ठीक है और इसलिए इस हम क्या बोल रहे हैं सेल्फ एडजस्टेबल अपना आप एडजस्ट कर रहा है कोई तो एडजस्ट कर पा नहीं रहा है उसको अपने आप एडजस्ट करता है क्लियर तो देखो एग्जांपल समझते हैं हम लोग है ना एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे देखो सपोज कि आपका आपके घर में जो है एक भारी भरकम बॉक्स रखा हुआ है मान लो आपका ये बॉक्स है आपका अलमीरा वगैरह कुछ भी आपका है भारी भरकम आपका है है ना पहला केस में मैं लू यहां पे फर्स्ट केस में मैं लू यहां पे कि जस्ट केप्ट आपका जो अलमीरा है वो जस्ट रखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कोई फोर्स आपने नहीं लगाया जैसे रखा हुआ है आपका ठीक ना तो उस केस में जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा कितना का होगा जीरो होगा आपका जब रखा हुआ है no uh, मूव तो हो ही नहीं रहा है और टेंडेंसी भी नहीं है मूव करने की तो फ्रिक्शन फोर्स कितना का हो गया जीरो हो गया क्लियर अब नेक्स्ट केस में आपने इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा दिया बाहर से थोड़ा सा आपने धकेल रहे हो उसको ढकेल तो रहे हो तो अगर ये बॉक्स भारी जिसे मैं बताऊंगा बहुत भारी है तो हो सकता है कि आप जब थोड़ा सा धकेलोगे तो मूव ही ना करे है ना मूव ही ना करे लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो तो जो फोर्स लगा रहे हो अगर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स अगर है नेट फोर्स अगर है तो देर मस्ट बी मोशन है ना लेकिन मोशन नहीं हो रहा है मतलब देर इज नो नेट फोर्स तो आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको कोई दूसरा फोर्स क्या करा को काउंटर बैलेंस कर रहा है और वो कौन सा फोर्स हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया जो आपके फोर्स को काट रहा है अपोज कर रहा है तो किधर लग रहा होगा आप इसको लिखेंगे इस बारे में अभी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसे आ गया तो जैसे आपने इसको पुश किया अब इस बॉक्स में क्या हुआ आपका एक टेंडेंसी हो गया मूव करने का तो जैसे ये टेंडेंसी हो गया मूव करने का इसमें क्या आ फ्रिक्शन फोर्स आपका आ जाएगा जो उधर होगा अभी लिखूंगा इसको भूल गया मैं यहाँ पे अगला पॉइंट मुझे यही लिखना था कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को पोज करता है अभी लिखूंगा इसके बारे में ठीक है तो ये इधर आपका आपका क्या हो गया गया फ्रिक्शन फोर्स आ ठीक ना तो मान लो कि आपने शुरू में जो अप्लाइड फोर्स था वो ट्यू टू न्यूटन रखा आपने टू न्यूटन रखा तो फ्रिक्शन ने भी क्या कर लिया अपना वैल्यू को टू न्यूटन कर लिया होगा ताकि मेरा के न्यू 2 न्यूटन और इसका टू न्यूटन मिलके नेट कितना हो गया इसके ऊपर फोर्स जीरो हो गया और ये बॉक्स अभी भी मूव नहीं कर रहा है ठीक है अगर ये बॉक्स एकदम स्मूथ सरफेस पर रखा था एकदम तो स्मूथ सरफेस पर रखा होता हूं तो आप हल्का सा भी इसको टच करते कितना भी भारी होता कोई मतलब नहीं था हल्का सा अगर आप टच करते तो ये बॉक्स क्या होता मूव कर जाता इसलिए देखना कि मान लो कभी आप घर बार शिफ्ट करते हो कहीं रेंट में हो अपना घर कहीं दूसरे के ले जा रहे हो और कोई भारी भाग का सामान है तो देखना कि अगर आपका घर में टाइल वेल्स लगा हुआ है चिकना एकदम सरफेस है तो आप हल्का सा मूव तो आपका कर मूव कर जाता है लेकिन अगर, अगर मिट्टी का घर है आपका या फिर आपका जो सर्फेस है उसमें टाइल्स नहीं लगा हो कि वो सिंपल आपका रफ सर्फेस है तो उसमें आप लोगे ना तो वो मूव भी नहीं करेगा आपका है ना वही भी बोल रहा हूँ अगर ये सर्फेस एकदम स्मूथ रहेगा ये कितना ही भारी रहे बॉक्स आप हल्का सा छू भी दोगे ना तो मूव कर जाएगा है ना लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सरफेस में एकदम हंड्रेड परसेंट स्मूथ कभी नहीं होता है आपका ठीक है तो आप जब फोर्स टू न्यूट्रन लगा दिए तो फ्रिक्शन भी कितना कर लिया अपना वैल्यू को टू न्यूटन कर दिया मूव नहीं कर रहा अभी भी, भी। नेट फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया दोनों तो कट के जीरो हो गया आप थोड़ा सा और एफर्ट लगा रहे हो ठीक है और जोर से धकेल रहे हो क्योंकि ढकेला नहीं रहा है तो आप और जोर से धकेल रहे हो तो मान लो कि आपने अब आप फोर्स लगा दिया फाइव न्यूटन लगा दिया फोर्स आपने लेकिन अभी भी देख रहे हो कि आपका बॉक्स क्योंकि भारी है तो इसका मतलब तो इस क्या हो गया कि अभी भी इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना आपका है जीरो है नेट फोर्स आपका अभी भी कितना है जीरो है तो दूसरा फोर्स क्या है यही फ्रिक्शन आपका दूसरा फोर्स डायरेक्शन में

ठीक ना तो मान लो कि आप अब ये दस लगा दिए दस मीटर लगा दिए दस मीटर आपने फोर्स लगा दिया अब दो सन मिलकर ढकेल रहे हो तो देख रहे अभी भी आपका जो है अब थोड़ा सा लगा कि टस से मस हो रहा है कैसे लग रहा थोड़ा सा लगा अब ढकेला ढकेला मतलब अब ढकेला जा सकता है ऐसा फील होगा आपको है ना तो ये आपका फोर्स बाहर का फोर्स जीरो था तो फ्रिक्शन में कितना था जीरो था आपने जब टू नि कर दिया तो ये भी कितना कर लिया अपने आपको टू कर लिया आपने जब फाइव कर लिया तो ये भी कितना कर लिया अपने आपको फाइव कर लिया तो क्या ऐसा है कि आप जितना लगाते जाएंगे उतना ये भी अपने आपको बढ़ाते जाएगा है ना आपने दस भी दस कर लेगा आपने बीस कर लेगा तो वही भी बीस कर लेगा ऐसा तो है तो अगर ऐसा होता कि हम जितना लगाते जाएंगे उतना वो भी अपने कर आपने आपको फ्रिक्शन भी अपने आपको बढ़ाते जाएगा अगर ऐसा होता तब तो हम कभी जिंदगी में सो ढकेल ही नहीं पाते सो हम कभी भी ढकेल नहीं पाते लेकिन ऐसा नहीं है ये कभी ना कभी तो क्या ढकला जाएगा तो आप ये मूव करना शुरू कर देगा आप तो कहाँ पे ठीक है तो मतलब क्या है कि किसी भी दो सरफेस के लिए फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है किसी भी दो सरफेस के लिए क्या होता है फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है मतलब फ्रिक्शन अपने आप को वहीं तक बढ़ा सकता है उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकता सुना बात ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हम जितना भी बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाते जाएगा ऐसा नहीं है किसी भी दो सरफेस के लिए फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको हम लोग क्या करते है? म्यू हैं म्यू एन से दिखलाते हैं हम यहाँ पे म्यू एन से दिखलाते हैं ठीक है है तो तो कितना म्यू एन हो गया तो मान लो कि लेट इस वाले में का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आपका है टेन न्यूटन है आपका यहां का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 Newton है आपका है टेन न्यूटन आपका यहां पे है टेन न्यूटन ठीक है ना यहाँ आपका हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन जो है अपने आप को जीरो से लेकर के कहां तक बढ़ा सकता है अपने आप को ये टेन न्यूटन तक अपने आपको बढ़ा सकता है टेन से आगे और नहीं बढ़ सकता ठीक है और जो मैक्सिम की बात कर रहे मैक्सिम वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि वो जो आपका सरफेस है वो कितना रफ है भाला बात रफनेस डिपेंड करता है दूसरा जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है वो किस तरह के नेचर के हैं मतलब लकड़ी का बना हुआ है लोहा का बना हुआ है कि एक लकड़ी है एक लोहा है अल्मीनियम है क्या है तो नेचर ठीक ना तो ये दो चीजों पर क्या होता है आपका डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा क्लियर ठीक है म्यू हम लोग लिखते हैं क्लियर तो मैंने एग्जाम्पल बोला यहाँ पे कि इस सर्फेस कितना कि आपका है टेन न्यूटन है मान लो ठीक यानी ये टेन न्यूटन तक ही अपने आपको बढ़ा सकता है तो आप जब दस लगा दिए तो इसका भी कैपेसिटी क्या है दस तक तो है सर कैपेसिटी तो ये भी क्या कर लेगा अपने आपको दस न्यूट्रन बढ़ा लेगा अपने आप को अभी भी आपका बॉक्स मूव नहीं कर रहा है ठीक ना अब आप थोड़ा सा और एफर्ट करोगे अब थोड़ा सा और एफर्ट आप करोगे कि जो आपका फोर्स आपने इसको ग्यारह कर लिया ग्यारह न्यूट्रन कर लिया तो अब फ्रिक्शन के पास कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप को ग्यारह कर ले वो अपना वैल्यू दस ही रखेगा तो एक फोर्स दस एक फोर्स आपका ग्यारह हो गया अब इस बॉक्स पे जो है नेट फोर्स हो गया कितना वन न्यूटन ये इलेवन ये हो गया टेन तो कितना हो गया आपका वन न्यूटन का नेट फोर्स हो गया तो अब ये बॉक्स मेरा क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा ये बॉक्स मेरा क्या हो जाएगा मूव कर जाएगा सो नाउ बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग नाउ बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग बॉक्स है या ये मूव करना शुरू कर जाएगा क्लियर ठीक है तो देखो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स था उसके अकॉर्डिंग बॉक्स उसे अकॉर्डिंग फिक्सन ने क्या किया अपने आपको को एडजस्ट किया जीरो से कहां तक मैक्सिमम वैल्यू तक और दैट्स व्हाई दिस वन इज नोन एज क्या सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स ठीक है तो पहला आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया सेल्फ एडजस्टेबल क्या हुआ तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एन नहीं होता है याद रखना ये आपका ये बहुत गया है, है हम लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम बनाते हैं तो, तो फ्रिक्शन देखा तुरंत तो तो हम क्या कर दिए f लिख दिया हम लोग नहीं ऐसा नहीं f का वैल्यू आपको चेक करना है देखो आपका जो एक्शनल फोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है कि f का वैल्यू कितना होगा जीरो था तो जीरो टू था तो टू हो गया फाइव तो फाइव फोर तो फोर तो टेन ऐसा हो गया आप पे? ठीक है? आपको चेक करना है कि उस सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे कि वाले कितना होगा हो आपका सीधा म्यून हमेशा नहीं बोलेंगे हम लोग ठीक है ना तो बहुत भारी मिस्टेक होता है बच्चों से कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स देखा जैसे रफ सर्फेस देखा म्यून लगा दिया एफिसोड म्यून लगा देते हैं ठीक ना तो, तो समझेंगे इसके बारे में तो आपको मैंने यहीं पे हिंट कर दिया कि ये गलती होती है आपसे छोटी सी बात है बट गलती हो जाती है ठीक है चलो तो ये आप समझ गए सेल्फ यहीं पे देख लो नेक्स्ट पॉइंट में हाँ पे देता आप टाइप्स भी आप पढ़ते हैं एग्जाम इसमें अपने 11th क्लास में, कि आप पढ़ते हैं ठीक है तो क्या हो गया पे? आप बोलते हैं टाइप्स में क्या हो गया एक बोलते हैं फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है स्टैटिक फ्रिक्शन हो बोलते हैं हम लोग तो ये कबका आता है कि वेन देयर इज इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूं देर इज नो मोशन बट टेंडेंसी टू मूव बट मूव मोशन तो नहीं हो रहा है बट यह आपका टेनेंसी है मूव करने की जैसे इस एग्जाम्पल में देखो जीरो से लेकर के यहां तक ये जो आपका है ठीक है मान लो पे हाँ पे आपका ए, 9 .9 भी अगर मैं यहां लिख दू तो यहां तक ये मेरा क्या हो गया ये मेरा हो, हो गया स्टेटिक फ्रिक्शन हो गया मेरा क्या हो गया यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कि जीरो से लेकर के नाइन पॉइंट नाइन 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 तक आपका जो है बॉडी यानी जो बॉक्स था वो मूव नहीं कर रहा था लेकिन उसमें क्या है टेंडेंसी है मूव करने का जब धकेल रहे हैं तो मूव करना चाह रहा है बट फ्रिक्शन क्या है रोक दे रहा है ठीक है यह वो हो गया स्टेटिक फ्रिक्शन उसके बाद एक और तो बोलते हैं क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है तो इसको मैं एक शब्द में लिख दू वहां पे जस्ट अबाउट टू मूव मतलब कि जब ऐसा लगे कि अब आपका जो बॉडी है मूव कर जाने वाला है एकदम मूव कर जाएगा थोड़ा सा एफर्ट और करेंगे थोड़ा सा फोर्स और लगाएंगे तो बॉडी क्या होता है मूव कर जाएगा तो जस्ट अबाउट टू मूव जब होगा उस वक्त जब फ्रिक्शन लगेगा उस वक्त क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज माई लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है इस एग्जाम्पल में आपको कहां फील होगा कि बॉडी जस्ट एकदम मूव करने वाला है कहां पे फील होगा जल्दी से बता दो कब फील होगा आपको इस एग्जाम्पल बताओ कि इस पूरे एग्जाम्पल में यहां से यहां तक आपको कब फील होगा कि बॉडी अब मूव करने वाला है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कब आपको फील होगा कि ये बॉडी अब मूव करने वाला है फटाफट फटाफट किस फोर्स पे एफ कितना बताओ जल्दी से अरे इतना लेट कर रहे हो फटाफट बतलाओं कितना कब आपको लगेगा कि ये बॉडी अब मूव करने वाला है बताइए नहीं सब सो गए लगता है तो हाँ ठीक है ये यहाँ पे मैंने बोला कि आपका ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम कितना आपका है टेन है माही बतला रहे हैं ठीक है टेन लोकनाथ बतला रहे हैं मैक्सिमम स्टैटिक ठीक है गुड तो जो टेन आपका यहाँ पे है इस जगह पर आपको फील होगा कि आप बॉडी क्या आपका होने वाला है पर मूव करने वाला है बॉडी आपका ये मूव करने वाला है ठीक है सो दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ये मेरा क्या हो गया आपके यहाँ पे लिमिटिंग हो गया आपका हाँ पे है ना और थर्ड जो आपका है इसको बोलते हैं तो तो ये तो नाम से ही आपको लग रहा है कि मतलब क्या हो गया कि जब बॉडी मूव कर रहा हो व्हेन मूव व्हेन देयर इज मोशन तो उस वक्त जब फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन तो इधर ये जो आपका हो गया इसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है तो ये आपका पूरा मैंने सेल्फ एडजस्टेबल का ही मतलब समझा दिया और उसी को लेकर मैंने आपको ये भी समझा दिया इजी तरीके से आप समझ गए है ना इसमें अब आप, आप समझ रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपका होता है दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन जो किसी दो सर्फेस के में लगता है वो मेरा क्या हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया आपका ठीक है ये आपका तो ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ एग्जाम जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये से हैं आप से, आपको ये पूछा जा सकता है ठीक ना आपका आंसर क्या आपका हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आंसर हो गया और हम जब इसको ग्राफ में बनाते हैं ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो हम है लोग तो देखो इधर मेरा क्या है फ्रिक्शन हो गया और जैसे मेरा क्या हो गया अप्लाइड फोर्स हो गया आपका यहाँ पे तो जब अप्लाइड फोर्स जीरो था तो फ्रिक्शन भी जीरो ये टू हो गया देखिए आपका टू हो गया ये फाइव देखिए आपका फाइव हो गया तो शुरुआत में यहां तक जो आपका है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आपका जो वेरिएशन हो रहा है वो क्या आपका लीनियर हो रहा है आपका आपका जो वेरिएशन हो रहा हो, क्या आपका है लीनियर हो रहा है हो रहा है ना लीनियर और उसके बाद जब ये मूव कर जाता है यहाँ का जब मूव कर जाता है मान लो बारह लगा दो चाहे पचास लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है एफ क्या का होगा टेन न्यूटन ही रहेगा आपका यहाँ पे तो जब बॉडी मूव करना शुरू कर जाए तब आपका तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है आपका तो ये थोड़ा सा ऐसे बनता है थोड़ा सा नीचे बनता है लेकिन याद रखना ये थोड़ा सा नीचे बनता है तो इन रियलिटी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा लिमिटिंग से क्या होता है कम होता है ठीक है

काइनेटिक और आपका हो गया स्टैटिक ठीक ना चलो तो यहां तक आई होप कि आपको कोई डाउट हो? नहीं है तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम लोड कितना हो गया म्यू हो गया हमको चेक करना है कि कितना लग रहा है हमेशा म्यू एन नहीं लगता है हमने ये टाइप्स भी हमने साथ में समझ लिया और एक लास्ट पॉइंट इसमें समझते हैं और एक लास्ट पॉइंट समझते हैं और उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे और कल के लेक्चर हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में ठीक है तो लास्ट पॉइंट जो मेरा यहाँ पे है कि फ्रिक्शन फोर्स जो आपका है ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट मे हेल्प द इंडिविजुअल मोशन तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कहां पे है कि हम वो लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन को अपोज करता है, है ना फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका मोशन को अपोज करता है हम ये बोलते हैं गलत बोलते हैं हम लोग ऐसा फ्रिक्शन फोर्स है मोशन को नहीं फिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा ऑलवेज अपोज इस रिलेटिव मोशन ठीक है ये जो है इंडिविजुअल जो मोशन होता है उसको हेल्प भी कर सकता है अपोज भी कर सकता है लेकिन रिलेटिव को हमेशा अपोज करेगा ठीक ना तो ये ध्यान देना है इससे हम क्या समझेंगे हम इससे डायरेक्शन निकाल पाएंगे हम इसे क्या कर पाएंगे डायरेक्शन निकाल पाएंगे हम हम लोग तो जैसे देखो ये अब एक सरफेस हो गया रफ सरफेस हो गया इस पर एक बॉक्स है बॉक्स का नाम ए है मान लो ये इधर मूव कर रहा है ये इधर मूव कर रहा है मान लो कुछ इस पर से मूव कर रहा है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में बॉक्स ए जो है आगे मूव कर रहा है तो ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स है ए पर इधर लगेगा पीछे लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ए का मोशन आगे है रिलेटिव मोशन आगे है तो सरफेस जो है वो बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा पीछे ठीक है और जो कि मोशन हो रहा है तो यहाँ पे कितना लगेगा म्यू ए लगेगा आगे समझने इसके बारे में और सरफेस पे तो कितना लगेगा कहां पे सरफेस पे कितना लगेगा कहां पे तो बॉक्स के रेस्पेक्ट में सरफेस किधर दिखाई देगा मूव करता हुआ पीछे की तरफ है ना सरफेस के रेस्पेक्ट में बॉक्स आगे मूव कर रहा है तो बॉक्स के रेस्पेक्ट में सरफेस क्या होगा होगा पीछे की तरफ मूव करता रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आगे लगेगा इसके ऊपर ऐसे तो सरफेस बॉक्स पे पीछे लगा रहा है फोर्स और बॉक्स जो आपका है सरफेस पे आगे लगा रहा है ठीक है रिलेटिव मोशन करता है और किसी एक बॉडी पे आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा दोनों जो सरफेस मूव कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स पीछे तो सर्फेस बात है आगे लगेगा ऐसा है कि दोनों पे आगे दोनों पे पीछे होगा ऐसा ऐसा नहीं होगा कभी भी आपका ठीक ना उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेता हूं और उसके बाद आशा क्लास ऑफ कर देता हूं चलो ये मान लो कि बॉक्स ए हो गया ये आपका बॉक्स बी हो गया चलो मूव कर रहे हैं मान लो ये मूव कर करो भी वन स्पीड से फाइव मीटर पर सेकंड लिया था वहां पे और ये आपका सर्फेस हो गया रफ सर्फेस का हो गया और ये आपका जो है वो भी टू ये आपको मूव कर, से कर रहा है टेन मीटर पर सेकंड आपका से मूव कर रहा है टेन मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है ठीक है क्या लिखा हमने कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड नॉट द मोशन मोशन को वो हेल्प भी कर सकता है अपोज भी कर सकता है लेकिन रिलेटिव हमेशा अपोज करेगा तो आप जब ए पर बैठ के देखेंगे बी पर बी पर देखेंगे बी पर फिक्स कौन लगाएगा ए लगाएगा और ए पर कौन लगाएगा बी लगाएगा तो ए पर जब देखना है तो आप बी पर बैठेंगे और जब बी पर देखना है फ्रिक्शन फोर्स तो आप ए पर बैठ के रखेंगे ठीक ना तो देखो हम बी पर जब बैठ के देखेंगे बी पर हम मान लो बैठे हुए हैं तो हमें क्या दिखाया जो तो ब्लॉक ए है वो पीछे जा रहा है क्योंकि इसका स्पीड क्या है कम है स्पीड क्या है आप तेजी से जा रहे हैं आपको क्या फील होगा कि आपका जो ब्लॉक ए है वो पीछे जा रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का रिलेटिव मोशन पीछे है इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स ए पे जो लगेगा वो आगे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स आपको क्या लगेगा आगे लगेगा कौन लगा रहा है बी लगा रहा है तो जब ए पे मिल गया तो बी पे ऑब्वियसली बात है कितने लगेगा पीछे लगेगा हमेशा इक्वल एंड अपोजिट बी पे पीछे लगेगा और फ्रिक्शन फ्रिक्स हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट पे लगाते हैं हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में ठीक ना पीछे लगेगा आपको यहाँ पे तो ए पे मिल गया तो बी को ऑप्शन यहाँ पे और नहीं इसे देखो आप ए पे जब बैठे देखोगे बी को तो बी आपको आगे ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि तो बी का स्पीड ज्यादा है ए का कम है तो ए पे जब देखोगे तो बी आपको आगे दिखाई देगा जाता हुआ इसका रिलेटिव मोशन आय की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा पीछे होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या आपका होगा पीछे की तरफ होगा आपका ठीक ना तो ये हम लोग ने डायरेक्शन सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ठीक है और डायरेक्शन लिख पाएंगे हम लोग चलो तो ये जो फ्रिक्शन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था हम लोग वो समझ लिए अब कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग ठीक है चलो कोई डाउट है फ़ड़ तो फटाफट पूछो लो तो लोग आज का क्लास एंड करते हैं टाइम हो चला है थोड़ा एंड करते हैं आया होगा आपने एंजॉय किया तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए क्लास को ताकि फायदा हो मैं बाबा ये बोलता हूं ताकि सबको फायदा हो ठीक है, चलिए ठीक है तो हम लोग मिलते हैं कल के कल भी क्लास लूंगा मैं इसी टाइम पे आप लोग रेडी रहना और कल हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे डिस्कस करेंगे इसमें फिक्शन वाले में ठीक ना ओके सो थैंक यू गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में